वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा. ओके ठीक है. सो हियर इज़ अ इंट्रोडक्शन अबाउट मोनेरा. मोनेरा किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? देयर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया. मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया. मैंने आपको बताया था ना, मोनेरा में जो सॉल मेंबर होते हैं दे आर द बैक्टीरियाज. स्मॉलर द ऑर्गेनिजम्स कैन बी हाईली अडेप्टिव इन एनी कंडीशन. इसका मतलब क्या है? मोनेरा बहुत छोटे छोटे होते हैं ना. अब वो जितने छोटे हैं ना, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक में बता रखा है कि इतने छोटे हैं बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. दे कैन बी फाउंड इन मस्ट टू मस्ट हार्श कंडीशंस. ठीक है. जैसे वो हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं एंड आइसबर्ग्स में भी पाए जाते हैं. ठीक है. तो कितनी ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो या नॉर्मल टेम्परेचर, वो दे कैन लिव. ठीक है. यहाँ पे शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स दे रखी है. दिस इज़ द बैसिलस. बैसिलस होता है रॉड शेप्ड. ओके. विब्रियो, हियर इट इज़ अ कॉमा शेप्ड. स्पाइरेलियम, स्पाइरेलियम इज़ अ स्पाइरल शेप्ड. एंड हियर आर, यहाँ पे दो शेप्स और दे रखी है. ठीक है. दिस इज़ अ स्ट्रेप्टोकॉकी एंड दिस इज़ द स्टेफिलोकॉकी. ओके. एंड यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सो दिस इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये हमने टेबल में भी डिस्कस किया था दैट मोनेरेंस के पास बोथ टाइप ऑफ, यू कैन से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, हेटरोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक. ओके. सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. नाउ जैसे हमने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरियाज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, हमने शेप के अकॉर्डिंग पढ़ा था बैक्टीरियाज को ना, उनको हम नंबर ऑफ फ्लैजेला पे भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे दिस इज़ अ पेरीट्राइकस. पेरीट्राइकस मीन्स, देखो, पेरीट्राइकस मीन्स, पेरी मीन्स लाइक पेरीमीटर. ठीक है. पेरीमीटर, पेरीफ्री, बाउंड्री, दैट इज़ पूरी बाउंड्री पे अगर फ्लैजेलास प्रेजेंट है ना, दैट मीन इट इज़ पेरीट्राइकस. ओके. जहाँ पर फ्लैजेला ही नहीं है, इट इज़ एट्राइकस. ओके. ट्राइकस कैसे कर सकते हो आप? जैसे ट्राइकस इज द फ्लैजेला. ठीक है. फ्लैजेला एब्सेंट, तो एट्राइकस. अगर पेरीफ्री पे है तो पेरीट्राइकस. एक फ्लैजेला है तो दैट इज मोनोट्राइकस. अगर दो फ्लैजेला है, मतलब एक इस साइड है एक इस साइड है, सो दिस इज नोन एज द एम्फीट्राइकस. ओके. एम्फीट्राइकस. एंड अगर एक ही साइड है फ्लैजेला बट नंबर उनके ज़्यादा है, ठीक है, मोर इन नंबर बट ओनली एट वन प्लेस, तो दैट इज़ नोन एज अ लोफोट्राइकस. सो आई होप कि आपको बैक्टीरियाज की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला भी क्लियर हो गई. ओके. सो लेट्स कम ऑन हियर. बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. डन. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. है ना, बहुत अबंडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ऑलमोस्ट सारी जगह बैक्टीरियाज पाए जाते हैं. और इवन अगर आप देखो ना, एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी लोगे, अपने हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी लोगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलेंगे. इट इज़ देयर अबेंडेंट, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस. ठीक है. सो ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये आप कहाँ पे लिखोगे? आप डालोगे अपनी नोटबुक में, पहले डालोगे किंगडम मोनेरा, देन यू विल राइट द हैबिटेट. हैबिटेट में क्या लिखोगे आप? एक्सट्रीम कंडीशन. हॉट, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो. ठीक है. दे कैन लिव. एंड सोल मेंबर क्या है किंगडम मोनेरा के? बैक्टीरियाज. ओके. मैनी ऑफ देम लिव विद अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट ऑल्सो. मैंने बताया ना, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक बोथ ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट. सो हेटेरोट्रॉफिक में ही आता है पैरासाइटिक भी, यानी कि दे कैन बी पैरासाइटिक इवन. अब यहाँ पर किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी है? शेप के बेसिस पे. फर्स्ट वन इज़ द कॉकाई. कॉकाई क्या है? स्फेरिकल शेप, कॉकस. ठीक है. नो, नेक्स्ट इज़ द बेसिली. बेसिली इज रॉड शेप. बेसिली इज रॉड शेप. नाउ दिस इज़ द स्पाइरेला. स्पाइरेला होता है स्पाइरेलियम शेप्ड. एंड विब्रियो आर द कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर्स और द बैक्टीरियाज. नाउ यू ऑल नो कि बैक्टीरियाज का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ वेरी 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 सिंपल ना. स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. मतलब उनका स्ट्रक्चर ना सिंपल है बट फिर भी वो कॉम्प्लेक्स है. मतलब बिहेवियर में अगर हम देखें तो दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी ऑर्गेनिजम्स.
Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. बहुत ज़्यादा ये diversity show करते हैं, है ना, कहीं पर भी रह सकते हैं, autotrophic, heterotrophic है, बहुत ज़्यादा diversity show करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कि सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ यहाँ पर हेटरोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बैक्टीरियाज जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं ना, दे आर सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक मीन्स जो कि डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिजम्स पे अपना जो है, डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं, ठीक है, स्पोर सेप्रोफाइटिक, इट इज ए. ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द आर्के बैक्टीरिया. मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई है, आर्के बैक्टीरिया एंड अदर इज द यू बैक्टीरिया. सो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया की. सो आर्के बैक्टीरिया क्या है? दे आर सिंपल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स. फर्स्ट पॉइंट आपको अब क्या करना है, आर्के बैक्टीरिया हेडिंग डालोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, ठीक है, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. अब आर्के बैक्टीरियाज ना फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस, ठीक है. मिथेनोजेंस, अब आपको सबकी बात अगर मैं बताऊँ हेलोफिल्स की, सो हेलोफिल्स वो होते हैं जो कि सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन हो, ठीक है, दे कैन लिव इन सॉल्टी एरियाज. नेक्स्ट थिंग अबाउट हॉट स्प्रिंग्स, अब जो थर्मो एसिडोफिल्स है ना, थर्मो एसिडोफिल्स या फिल का मतलब क्या होता है, फिल मीन्स दे लाइक, है ना, एक तरह से आप ऐसे लर्न कर सकते हो फिल्स को. सो थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिड मीन्स पीएच, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा हाई हो एंड पीएच भी जो है, पीएच हो वो लो हो, लो पीएच पे एंड हाई टेम्परेचर पे दे कैन लिव. Humans cannot sustain life there, but the bacteria can, है ना. Halophils and thermoacidophils clear. Methanogens वो होते हैं जो कि जहाँ पर जो है marshy areas में रहते हैं, जैसे कि जो methanogens होते हैं ना वो ruminants के dung में भी मिलते हैं, ठीक है, methanogens उनके dung में भी मिलते हैं. Like यहाँ पर दे रखे ना, methanogens are present in the gut में भी एंड डंग से, जैसे काउ डंग होता है तो काउ डंग से मिथेन गैस निकलती है, बिकॉज मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन देयर गट, सच एज काउज एंड बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है. नाउ आर्के बैक्टीरियाज का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एंड उसी की वजह से, इसी फीचर की वजह से दे कैन सस्टेन देयर लाइफ इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो. नाउ यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. मोनेरा डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, आर्के बैक्टीरियाज एंड द यू बैक्टीरियाज, ठीक है. एंड यहाँ पर आर्के बैक्टीरियाज आर लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम, अनदर नेम इज अ लिविंग फॉसिल्स. नाउ आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द लिविंग फॉसिल. नाउ लिविंग फॉसिल्स द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव रिमेन्ड वर्चुअली अनचेंज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. लिविंग मीन्स लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग है, ठीक है. एंड द वर्ड फॉसिल मीन कि जो ऑर्गेनिजम्स बहुत दिन, बहुत मतलब बहुत टाइम से वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, जो कि रिमेन्ड अनचेंज है, मतलब अनचेंज है वो. ओके, दैट इज सिंपली कि ऑर्गेनिजम्स दैट हैव रिमेन्ड वर्चुअली अनचेंज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ दे कैन थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, वो कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब वो रह सकते हैं. अब वो क्यों रह सकते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि उनके सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. सो उनके पास क्या होती है, हाई एस लेयर्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं एस लेयर्स के अंदर, ठीक है, बट इनके अंदर पेप्टिडो ग्लाइकन नहीं होते, लैक पेप्टिडो ग्लाइकन, लैक करता है क्या, पेप्टिडो ग्लाइकन एंड हैव हाई एस लेयर्स. नाउ अब मैंने आपको बताया कि जो ये आर्के बैक्टीरिया फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स. नाउ कमिंग ऑन टू द मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस क्या है, मिथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स,
एंड हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स. हम देखेंगे ऑब्लिगेटेड एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होता है. अब क्या देख रहे हैं कि हम हेलोफिल्स होते हैं सॉल्ट लाइक, जिनको सॉल्ट पसंद होता है, ठीक है, सॉल्टी कंडीशंस में वो रहते हैं. एंड थर्मोएसिडो मीन्स थर्मोएसिडोफिल्स मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा हो, एसिडिक कंडीशन हो. एसिडिक कंडीशन मीन्स पीएच लो एंड इट लाइक्स व्हाट, लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर, यानी वो इस कंडीशन में रह सकते हैं आपके बैक्टेरियाज, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड द फैकल्टेटिव एनारोब्स. ऑब्लिगेट एनारोब्स है जैसे कि मिथेनोजेंस, कैन ओनली ग्रो इन एब्सेंस ऑफ और सीजन. ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ठीक है. ऑब्लिगेट याद रखना है कि सिर्फ उसको वही कंडीशन चाहिए. अगर कहीं पे भी टर्म ऑब्लिगेट लग जाए, यानी कि उसको वही कंडीशन चाहिए. एंड एनारोब्स मतलब विदाउट ऑक्सीजन. सो उन्हें क्या कंडीशन चाहिए कि विदाउट ऑक्सीजन जाओ ना, वो वहीं पर रह सकते हैं. कैन ओनली ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंट इन काउडंग्स पेडीफिल्स. नाउ फैकल्टेटिव एनारोब्स आर जैसे कि हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स. दे कैन ग्रो ईदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट वो रहना क्या चाहते हैं, प्राइमरीली वॉन्ट ऑक्सीजन. दैट इज कि प्राइमरीली वॉन्ट ऑक्सीजन, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है. बट कॉन्सेप्ट ये है कि वो या तो अगर उन्हें एब्सेंस मिलेगी तो वहाँ पे भी रह सकते हैं, अगर प्रेजेंस मिलेगी तो वहाँ पर भी रह सकते हैं. लाइक टी ए क्यू. सो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको टी ए क्यू की फुल फॉर्म बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू दिस. नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है. यू बैक्टीरिया, अगर आप वर्ड पे जाओ तो यू मीन्स ट्रू, ई यू. यू बैक्टीरिया में यू मीन्स ट्रू, ओके. यू मीन्स ट्रू एंड बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया दे आर, ओके. सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल. अब मैंने आपको क्या बताया था कि आर्के बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट था, है ना. स्ट्रक्चर डिफरेंट था, उसमें जो है पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होती. बट यहाँ क्या है, यू बैक्टीरिया में उनका रिजिड सेल वॉल स्ट्रक्चर है एंड इफ मोटाइल दे हैव अ फ्लैजेलम ऑल्सो, ठीक है. द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए BGA, ठीक है. BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी इज BGA. नाउ BGA में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट the blue green algae have chlorophyll a similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous. Unicellular bhi ho sakte hain, they can be colonial or filamentous. Unicellular kya hota hai, unicellular is single cell. कॉलोनियल मीन्स जैसे वो कॉलोनी में रहते हों, ठीक है, बहुत सारे एक तरह से कॉलोनी बनाकर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हों, उसको कहते हैं कॉलोनियल, ठीक है. एंड फिलामेंटस मीन कि वो एक फिलामेंट बनाकर रहते हैं, ओके. सो उनके हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज जनरली फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ओके. सो द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जेलिटेनियस शीट. यहाँ पर आपको कॉलोनी देख रखी है, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ए कॉलोनियल एल्गी, ठीक है. यहाँ पर जो हेट्रोसिस्ट होता है ना, दे आर प्रेजेंट इन नॉस्टॉक एंड एनाबीना. नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है, एनाबीना. ये क्या है, ये इट इज़ अ कॉलोनियल एल्गी. यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलोनियल एल्गी के पास ये जो शीट है ना, ये वट यू कैन सी हियर, दिस ब्लू कलर में जो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द म्यूसिलेजिनियस शीट, ठीक है. दिस इज़ द म्यूसिलेजिनियस शीट एंड बहुत सारे जो मतलब जो फिलामेंट कॉलोनियल फॉर्म में जो साइनोबैक्टीरियाज रहते हैं, उनमें से बहुत सभी बैक्टीरियाज के बाद क्या होती है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है, यानी कि कुछ के पास क्या होती है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है. हेट्रोसिस्ट क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट व्हाट इट डू, हेट्रोसिस्ट क्या करता है, दे हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, ओके. सो द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटेनियस शीट. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी.
Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास हेटरोसिस्ट प्रेजेंट होंगे दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जाम्पल्स आर नॉस्टॉक एंड एनाबिना. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज. देखो, अब आपसे अगर आपसे पूछी जाती है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन, तो आपको ये लिखनी है दैट द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है. सो ये क्या हो गया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो कि केमिकल्स का जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब को यूज़ करते हैं किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और यू कैन से द एनर्जी प्रोडक्शन. नाउ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट है तो नेचर में, ठीक है. दे आर लाइक ज़्यादातर होते हैं ये डीकम्पोजर्स, हैव टोल्ड यू स्पोरोफ, ये दे आर सेप्रोफाइटिक, नॉट स्पोरोफाइटिक, दे आर सेप्रोफाइटिक मैक्सिमम. मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स ऑल्सो. दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड. अच्छा, कर्ड को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, ओके, ठीक है. सो दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एक्सेट्रा. दे पैथोजेंस ऑल्सो, पैथोजेंस क्या होते हैं, दैट कॉजेज डिजीजेस, ठीक है. पैथोजेंस टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एंड एनिमल्स एंड पेट्स, ठीक है. अब जो डिजीजेस बैक्टीरिया करते हैं उनके नाम देख लो और आपको लर्न भी करना है, ठीक है. कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस एंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरियाज, ओके. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. बहुत बार क्या होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस के क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्स में आ जाते हैं. सो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स. अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, स्पोर प्रोडक्शन करते हैं. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर. सो आई होप रिप्रोडक्शन पार्ट इज ऑल क्लियर टू यू, ठीक है. वैसे तो ये क्या करते हैं, फिशन से, बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बट अनफेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म स्पोर्स एंड कभी कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ओके. सो यहाँ पर आपको बाइनरी फिशन का ये जो है डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है. लेट्स सपोज ये पूरा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया है. सो ये पहले लेंथ में इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे क्या होगी, एक यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस विल फॉर्म टू बैक्टीरियाज, ठीक है. नाउ द लास्ट थिंग इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. माइकोप्लाज्मा के बारे में आप सेल चैप्टर में भी पढ़ोगे. माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिजम्स दैट लिव दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. देखो, माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट है एंड कैन सर्वाइव, इवन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है. पैथोजेनिक होते हैं ज़्यादातर, क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में एंड प्लांट्स में. सो आई होप द किंगडम मोनेरा इज ऑल क्लियर टू यू एंड आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या नीड रही थी. सो हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या ज़रूरत थी, है ना. एंड सबसे पहले कौन थे, एरिस्टोटल आए थे, जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन बताई थी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. अगेन प्लांटे को उन्होंने फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रीज, हर्ब्स एंड शर्ब्स एंड एनिमल्स को. जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी इज दिस कि जिनके पास आरबीसीज हैं, एंड सेकेंड इज कि जिनके पास आरबीसीज एब्सेंट है. देन कैरेलेस लिनेयस आए, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. देन आए थे हैकल, जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. देन कॉपलैंड, जिन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. एंड द फाइनल वन इज आर एच विटेकर 1969, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. दैट इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ओके. सो नाउ यहाँ पर किंगडम मोनेरा को आज हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने देखा कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा. डिफरेंट टाइप के शेप्स में भी उनको क्लासिफाई करा जा सकता है एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट भी उनको करा जा सकता है क्लासिफाई.
का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द आर्किबैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज द यूबैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया में क्या है, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, फर्दर थ्री कैटेगरीज हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड द मिथेनोजेंस. यहीं पे हमने फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स को भी डिस्कस करा था. नेक्स्ट इज अ यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया भी क्या है, यूबैक्टीरिया मीन्स ट्यूब बैक्टीरिया. यहाँ पर क्या है कि अगर ये कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि तीन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस. अगर ये कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो इनके पास आउटर लेयर एक तरह से म्यूसिलेजिनियस शीट होती है, म्यूसिलेजिनियस शीट प्रेजेंट होती है. ठीक है, और बहुत में ठीक है, मतलब बहुत ऑर्गेनिज्म जो कि यूबैक्टीरिया होता है उनके पास हेटरोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है एंड दैट हेटरोसिस्ट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जांपल इज नॉस्टॉक एंड एनाबीना. ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन एंड इन अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स एंड वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं. Then we discuss about the mycoplasma. This is the smallest organism that can live independently and without oxygen. ठीक है, इसका diameter अगर आप जानना चाहो so that is 0.2 micrometer to 0.3 micrometer. Okay, done. So they completely lack a cell wall and they may can be even pathogenic in humans. And bacterias भी जो होते हैं वो बहुत सारे types of फैलाते हैं, दे कैन बी पैथोजेनिक एंड वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं. जैसे हमने देखा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना. सो पैथोजन कैसे हो सकते हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटिनस, दीज ऑल डिजीजेज आर कॉज बाय द बैक्टीरिया. सो आई होप दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो लेक्चर विद द किंगडम प्रोटोजोआ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग.